हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा और इसके साथ ही सभी प्रश्नों की व्याख्या करेंगे डिटेल से, जिससे कि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो तो पूछे जा चुके हैं, लेकिन जो नहीं पूछे गए हैं वो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, चांद तैयब रामसी भाटी साहिबा एवं उस्ता चित्रकार निम्न में से, या उसना चित्रकार, उस्ता चित्रकार आएगा, निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित माने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि साहिबा और ये जो हैं चांद और साहिबा, ये तो अजमेर से संबंधित आते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन दो से हिंट मिलता है। और कभी भी चित्रकार का क्वेश्चन पर्टिकुलर एक नाम से नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयर कंडीशन में। और जैसे कि देवगढ़ जो चित्रकला शैली है उसमें श्रीधर अंधारे, इस शैली को प्रकाश में लाने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे अलवर शैली है तो उसमें यूनिक चीज जो है वो है गणिकाओं के चित्रण से संबंधित, तो वो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा गणिकाओं के चित्रण से संबंधित। एग्जाम्पल के लिए जैसे बूंदी शैली की बात करें तो बूंदी शैली पशु पक्षियों के लिए फेमस मानी जाती है। कोटा शैली की अगर बात करें तो कोटा शैली जो है वो शिकार के दृश्यों के लिए, शिकार के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था। आपको ध्यान रखना है कि मोतीलाल जी तेजावत के द्वारा 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया था, मतलब मेवाड़ क्षेत्र के लोगों की 21 मांग मुख्य रूप से थी जो कि सरकार से मंगवानी थी, तो इसलिए मोतीलाल तेजावत जी ने 21 सूत्री मांग पत्र दोस्तों तैयार किया था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कबीर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। कबीर शाह का जो दोस्तों मकबरा है वो आपको पता है कि करौली में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? करौली में कबीर शाह का मकबरा स्थित है और राजस्थान की धर्मनगरी अजमेर है और टोंग जो है वो नवाबों की नगरी के रूप में जानी जाती है। झालावाड़ है दोस्तों, उसमें गागरौन का दुर्ग जो है वो सबसे बेस्ट जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब डिटेल से समझते हैं कि कबीर शाह का मकबरा करौली में स्थित है, तो करौली किस चीज़ के लिए फेमस माना जाता है। करौली जो है दोस्तों वो करौली यदुवंश के शासन, आपको पता है यादव वंश की एक शाखा रही है यहाँ पे, तो करौली के यदुवंश के शासन की जो स्थापना है वो विजयपाल के द्वारा की गई थी 1040 ईस्वी में दोस्तों ये की गई थी। और आपको ये पता होना चाहिए कि करौली जो है वो राजस्थान का 32वां जिला बना था 19 जुलाई 1997 को। इसकी बात करें तो ये किससे अलग होकर बना था, तो वो सवाई माधोपुर से। मैं आपको डिटेल से बता दूं कि 26वां जिला आपका कौन सा, अजमेर बना था दोस्तों। 27वें जिले की बात करूं तो धौलपुर बना था। 28वां जिला बारा बना था। 29वां जिला दौसा बना था। 30वां जिला राजसमंद बना था। 31वां जिला हनुमानगढ़ बना था और 32वां जिला करौली और 33वां आपका प्रतापगढ़ बना था। तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही बात करें तो महावीर जी की जो लठमार होली है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। अंजनी माता का मंदिर, ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में क्वेश्चन आ सकता है कि हनुमान जी को स्तनपान करवाते हुए एकमात्र जो मंदिर है वो अंजनी माता का, वो कहाँ पर आपका, वो भी करौली में है। मदन मोहन जी का क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी बन चुका है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। केला देवी करौली लागूरिया भक्त की छत्री के रूप में, लागूरिया नृत्य भी यहाँ पे किया जाता है, घुटकर नृत्य होता है, लागूरिया गीत गाए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। चैत्र शुक्ल एकम से लेकर दोस्तों दसवीं तक, हम ये बोल सकते हैं दशमी तक इसका आयोजन होता है मेले का, और अष्टमी के दिन इसका विशेष महत्व होता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें दुर्ग कौन कौन से हैं, करौली क्षेत्र में जो दुर्ग हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है एक तो तीमनगढ़ है, एक मंड रायलगढ़ है और एक ऊंटगिरी का जो किला है या दुर्ग है वो यहाँ पे स्थित है। ये तीन एग्जाम में, और एग्जाम में पूछा गया तीमनगढ़ के बारे में, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दमना आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो हमें आपको ये बता दूँ कि नाक में जो, पहले हम दमना की बात कर लें तो वो अंगुली में पहना जाता है। थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि नाक में जो आभूषण पहना जाता है वो, एक तो आभूषण पहना जाता है खीवण, एक आभूषण खीवण पहना जाता है, एक आभूषण पहना जाता है दोस्तों कौन सा, फिणी आभूषण। तो एक तो पहना जाता है खीवण, एक पहना जाता है फिणी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आभूषण आता है जो बनी ठेणी पहनती है, जिसको बोलते हैं बेसरी। एक आभूषण पहना जाता है दोस्तों कौन सा, नकुल। एक आभूषण पहना जाता है जिसका नाम है कौन सा दोस्तों, नकेसर। तो नकुल, नकेसर, नथ बिजली, ये सारे आभूषण नाक के आभूषण बनते हैं। कमर के आभूषण की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, मैंने कल भी बताया था आपको कि आभूषण बनता है एक तो कंदोरा, एक आभूषण बनता है कौन सा, कंदोरी। एक आभूषण कनकत्ती बनता है, जिस और कणगोरा भी बोला जाता है। इसके बाद एक है आभूषण बनता है कंडोरू। इसके साथ एक आभूषण आपको पता हो तो एक बनता है जंजीर, एक आभूषण बनता है गुगी जो कि गुजर जाति के पुरुषों द्वारा पहना जाता है। तो इस प्रकार से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आभूषण है। और अंगुली का आभूषण, एक शिवलो आभूषण जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। एक अंगुली का आभूषण बनता है रामफल, एक आभूषण बनता है रामफल। तो ये कुछ ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शाहजहाँ द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था, तो आपको ध्यान रखना है कि मिर्जा राजा जयसिंह जी के द्वारा इसका नेतृत्व दोस्तों किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है,
सारंगपुर युद्ध कब लड़ा गया था? तो सारंगपुर युद्ध आपको पता होना चाहिए कि 1437 में लड़ा गया था, 1437 में युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में विजय रहे थे कौन? कुंभा जी। और कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष में निर्माण करवाया था किसका? तो कुंभा का कीर्ति स्तंभ भी बोला जाता है, लेकिन एक जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, तो विजय स्तंभ भी बोला जाता है और कीर्ति स्तंभ भी बोला जाता है, क्योंकि वो कुंभा की कीर्ति का दोस्तों क्या करता है? बखान करता है। जो आपको पता है कि 9 मंजिला है, आज जो लास्ट मंजिल है वो मंजिल खंडित मंजिल है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारी विशेषताएं हैं उसकी, लेकिन अगले क्वेश्चंस में और भी डिस्कशन में हम उसको करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम पूछा है, तो मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 का मरु विकास कार्यक्रम है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो के मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है, तो दोस्तों 1977-78 में इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन इसी के बेस पे और भी फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में इसको प्रारंभ किया गया। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात अलवर भरतपुर क्षेत्रों को कहा जाता है, उसकी शुरुआत की गई है वो 1986-87 में की गई है। मगरा क्षेत्र के विकास की बात करूं तो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में, इसी के साथ आप ये बोल सकते हैं कि अरावली विकास कार्यक्रम जो है वो 1974-75 में इसकी शुरुआत की गई है अरावली क्षेत्र विकास कार्यक्रम की। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले तो 1994-95 में शुरुआत हुई दोस्तों, लेकिन डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम पुनः प्रारंभ किया गया 2005-06 में, तो 2005-06 में पुनः प्रारंभ किया गया है, जबकि प्रारंभिक रूप से सबसे पहले 1994-95 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं, यूनिक फैक्ट हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा संरक्षित क्षेत्र और जिला के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? सुंदा माता की बात करूं तो सुंदा माता जो है वो देवी के रूप में भी जानी जाती है, 2006 में वहां पे रोपवे की शुरुआत की गई थी दोस्तों, तो 2006 में सुंदा माता रोपवे की शुरुआत की गई है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। गोंगेलाव की बात करें तो नागौर में है, बिल्कुल करेक्ट है। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, आर एस प्री में पूछा था, जहां तक मेरे को पता है कि 2018 वाले पेपर में प्रश्न आया था, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और गुड्डा बिश्नोई की अगर बात करें तो जयपुर जो कि गलत सुमेलित दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका इस प्रश्न का गलत पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही सुमेलित गलत जो सुमेलित किया गया है वो गुड्डा बिश्नोई जयपुर गलत सुमेलित है, तो आपका यहाँ पे जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होने वाला है, ऊपर के तीनों यहाँ पे सही दिए हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही का मतलब होता है कि बड़े से लेके आप छोटे की तरफ जाओगे दोस्तों, तो इसमें दिया हुआ है। बात करें अचलगढ़ चोटी की तो यहाँ पे जो ऊंचाई बनती है वो 1380 बनती है, 1380 बनती है। जरगा की बात करूं तो 1431, जो कि मैंने यहाँ पे वीडियो भी डाल रखा है, वीडियो के अंतर्गत मैंने सारी चोटियों को याद करने का एक तरीका बता रखा है, उसको आप देख सकते हैं। शेर की बात करें तो महाराणा प्रताप शेर थे दोस्तों, तो 1597 करेक्ट हैं, उनकी डेथ की तारीख भी ये आती है। और गुरु शिखर की बात करें तो 1722, तो क्रम की अगर बात करें तो 1380, 1431, 1597 और 1722, ये तो क्रम है आपका आरोही, क्योंकि छोटे से लेकर बड़ा क्रम दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। लेकिन सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सही दिया है गुरु शिखर 1722, शेर 1597, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आपका दोस्तों सही उत्तर होने वाला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अल्लाह जिलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र से रही है? तो आपको पता है कि मांड गायिका के रूप में अल्लाह जिलाई बाई को जाना जाता है, इनके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। अल्लाह जिलाई बाई की बात करूं तो बीकानेर में फरवरी 1902 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, इनको आप ध्यान रखिएगा। गुरु की बात करें तो हुसैन बख्श इनके गुरु आते हैं, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ये एग्जाम में प्रश्न बन चुका है 1982 में। स्मृति में बात करें तो इनकी स्मृति में अखिल भारतीय मांड गायन समारोह बीकानेर में आयोजित किया जाता है। 1987 में लंदन में इन्होंने गायन किया था, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी। और 1988 में संगीत नाटक अकादमी जो है वो पुरस्कार इनको मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो 1957 में दोस्तों जोधपुर क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक अकादमी आती है ललित कला अकादमी, जिसकी स्थापना जयपुर में की गई 1957 में, और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 में की गई, उसी के दौरान इनको पुरस्कार मिला है। और 1992 में 1992 में इनकी दोस्तों मृत्यु हुई थी। ये अल्लाह जिलाई बाई से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में दोस्तों शामिल किया है? तो 6 किलों को इसमें शामिल किया है। आपने एक ट्रिक भी पढ़ी होगी दोस्तों, जो बनती है कौन सी? आम, गाजर और चीकू के नाम से बनती है। तो आम, गाजर और चीकू है। आम से तो है कौन सा वाला दोस्तों? आपका आमेर आता है। कौन सा आता है? आमेर आता है। गा से सबसे बेस्ट जल दुर्ग श्रेणी का एक दुर्ग आता है, जिसका नाम है गागरोन। ज से आता है, जिसको आपको आपको पता है, सोनारगढ़ जैसलमेर वाला। रस से बात करें तो रणथंबोर, कौन सा दुर्ग आता है? रणथंबोर दुर्ग आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ची से बात करें तो चित्तौड़गढ़, और कु से बात करें तो कुंभलगढ़, जो कुंभा की कीर्ति का बखान करता है। तो 6 किले इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान आपका अबीका नगर टोंक में स्थित है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अबीका नगर यहाँ पे आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लोद्रवा प्रसिद्ध माना जाता है तो जैन मंदिर के लिए, किसके लिए? जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है लोद्रवा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जयपुर का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है इनके बारे में, तो करेक्ट आंसर आपका यह होने वाला है। और लालचंद उत्सा की बात करें तो हवामहल से संबंधित आते हैं दोस्तों, तो लालचंद उत्सा का संबंध हवामहल से रहा है। थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, जयपुर का वास्तुकार आपको पता ही है विद्याधर है। इसके बाद विजय स्तंभ की बात करें तो राव जेता ने इसका निर्माण करवाया था और इनकी मृत्यु के बाद नापा पुंजा और पोमा आते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है वो मंडन माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। हवामहल का लालचंद उत्सा और अल्बर्ट हॉल का स्वीटन जेकब, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। चंद्रमल सिटी पैलेस विद्याधर आते हैं, ये आपको पता ही है। विमल शाही आदिनाथ जैन मंदिर का सिरोही में जो निर्माण करवाया था वो कीर्तिधर ने करवाया था दोस्तों। और बात करें लूणवसी नेमिनाथ जैन मंदिर का, विमल शाही आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण तो कीर्तिधर है और लूणवसी नेमिनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो सोमन देव है। आदिनाथ त्रिशब्देव जैन मंदिर पाली में देपाक के द्वारा निर्माण करवाए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, भटनेर किले का जो निर्माण जो वास्तुकार है वो केकैया माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करो तो संत बखना जी, संत दास जी, रज्जब दास जी, आपको पता ही है इनकी जो विशेषता है और संप्रदाय से संबंधित रहता आप सभी को पता है, दादूपंथी माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे स्कूल जो है दोस्तों वो उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। उदयपुर को फिनलैंड के रूप में बोल सकते हैं और उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। झील जोड़ों के जनक फतेह सिंह जी यहीं से आते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और पिछोला झील जो कि लाखा के टाइम पर फाइंड आउट हुई थी और लाखा के टाइम पर ही दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जावर में चांदी की खदान मिली थी। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से माना जाता है? आप सभी को पता है कि कहाँ से, तो हरि के बैराज आप सभी को अच्छे तरीके से पता है। एक अदर से बात करें तो भाखड़ा नागल बांध आता है, ये आपको पता है सतलज नदी पे, तो उसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ है? आपको पता है कि मंगलूणा में इनका जन्म हुआ था, ये एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, जेईई के पेपर में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्नकोशों में विभक्त हैं? तो ये कितने रत्नकोशों में दोस्तों? ये 5 रत्नकोशों में विभक्त माना जाता है। थोड़ा डिटेल से देखते हैं, संगीत राज कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है जो कि सबसे वृहद सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर ग्रंथ दोस्तों माना जाता है। इस ग्रंथ को 5 भागों में विभाजित किया गया है, ये 5 भाग कौन कौन से हो सकता है? एग्जाम में अगले क्वेश्चन 5 भागों से आ सकता है। एक तो है पाठ्य रत्नकोश जिसमें कुंभा की वंशावली का वर्णन दोस्तों किया गया है, एक है नृत्य रत्नकोश, एक है गीत रत्नकोश, एक है वाद्य रत्नकोश, एक है रस रत्नकोश। तो ये पहले तो 5 कौन से रत्नकोश हैं उनके बारे में बताया गया है और पाठ्य रत्नकोश जो है वो कुंभा की वंशावली से संबंधित है। अब जो ये रत्नकोश जो मैंने लिखा है इसको रत्नकोशों को और भी डिवाइड किया है और जो डिवाइडेशन है उसको उल्लास कहा जाता है। और अगर बात करें तो उल्लास, तो उल्लास को भी डिवाइड किया गया है जिसको परिरक्षण कहा जाता है। तो 80 परिरक्षणों में ये आपका रत्नकोश जो है दोस्तों ये विभाजित किया गया है। संगीत राज जो ग्रंथ है वो 80 परिरक्षणों में विभाजित किया गया, परिरक्षण में विभाजित किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो टारगेट होगा एग्जामिनर का, अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं से पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण यूनिक फैक्ट एग्जाम स्पेसिफिक मैंने डिस्कस किए हैं। कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि 5 रत्नकोशों में कौन सा रत्नकोश शामिल नहीं है, एक तो ये बन सकता है। कौन सा रत्नकोश कुंभा की वंशावली का वर्णन कर सकता है, ये बन सकता है। और रत्नकोशों को किसमें विभाजित किया, तो उल्लासों में विभाजित किया है। उल्लासों को किसमें, तो परिरक्षणों में विभाजित किया है। और परिरक्षण टोटल कितने हैं इस संगीत राज ग्रंथ में, तो 80 हैं। इस प्रकार से ऐसे ही वीडियोस के लिए और भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।